हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 3 की कक्षा में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है। ई एन बराबर 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर ई बराबर इन्फाइनाइट दे रहा है तो मैं इन्फाइनाइट रख दूँगा यहाँ पे एन की जगह पे, तो 1/ मेरा क्या होता है 0। तो यहाँ पर रख दूँगा 13.6/ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आ जाएगी 0 अनंत पर ऊर्जा। अब मैं ई 3 लेना चाहता हूँ, यहाँ पर ई 3 तीसरी कक्षा में, ई 3 बराबर हो जाएगी मेरी 13.6/3 का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जी आ जाएगी 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.13 × 13 और बचा मेरे पास 40 हो गया, 9 × 36 = 45 और फिर बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हमारे पास आ गया E3 −1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब संक्रमण की ऊर्जा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ई इनफाइनाइट से E3 ऊर्जा में कितना चेंज हुआ हमारे पास डेल ई बराबर, तो ये होगा हमारे पास 0 − 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में। अब लैम्डा बराबर होता है ई बराबर डेल ई बराबर एस सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर निकाल दूंगा मैं डेल ई, लैम्डा बराबर निकालूंगा मैं डेली, इसके नीचे आ जाएगा एस सी ओवर डेली। तो यहाँ पर एस सी यानी 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये मेरे पास है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको काट दूंगा तो सरल हो गया जाएगा मेरे पास 822.51 नैनोमीटर, ये आएगी नैनोमीटर में 822.51 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें।